मैं क्या बताऊं, सुबह मैं इतना ज्यादा बिजी थी, सुबह मैंने बाल काटा है यार। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है सैटरडे, होपफुली आपका सैटरडे बहुत अच्छा जा रहा है और आपका वीकेंड भी बहुत मजेदार जा रहा है। सैटरडे वेंट बाय स्टॉर्म गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, सुबह मैं इतना ज्यादा बिजी थी एंड इट वाज सो मच अ डिफिकल्ट डे। आपको थोड़ा सा बताती हूँ, अभी फिलहाल तो हम निकल रहे हैं। एवरी टाइम आई कम ना, आश्रित को ऐसा लगता है मम्मा भाग गया है। मैं कहीं रूम में दरवाजा लॉक करिए, इसका मतलब मम्मा कहीं भाग गया है। तो ही की पैनडिंग अनाउंड, तो हर रूम को दरवाजा खजा के खोल के देखिएगा, वेज मामा वेज मामा। आई थिंक संदीप ने संभाल लिया। हाँ, तो मैं जो बता रही थी सुबह क्या किया, सुबह मैंने बाल काटा है यार, एंड इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क क्यों बताती हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल तो अभी ड्रेसेस पहन के रेडी हूँ, आज बहुत दिन बाद थोड़ा धूप निकला है तो आज इसलिए बच्चों को फाइनली फादर्स डे का जो ट्रीट, आइसक्रीम ट्रीट बाकी था वो दिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं, बच्चों को आइसक्रीम खिला के लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ व्हाई दिस हेयर कटिंग एक्सपीरियंस वाज सो टफ यार। वैसे आपको थंबनेल देके थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही गया होगा। हु इज दिस संदीप? आश्रित। हाय आश्रित। मैं कैमरा लेके निकलने से ही ना संदीप पूरा ऐसे सतर्क हो जाता है, ये कहां मेरी तरफ घुमा देगा और मेरा बैंड बज जाएगा। नहीं नहीं, घुमा देगा तो है। हाँ। तो इंटरोगेट करोगे। और मुझे लगा तुम यू आर नॉट एप्रोप्रिएट, तभी तुम भाग जा रहे हो जी, कहीं मैं कैमरा ना घुमा दूं। घुमाओ घुमाओ। वो तो एप्रोप्रिएट हूं। अरे तुम क्या मिरर रिफ्लेक्शन में आ जा रहे हो? हाँ तुम क्या रिफ्लेक्शन। What are you going to have now? What will you have? Cream. Ice cream. It's good to have some ice cream. It is beautiful dress. Your is very handsome dress, Ashish. Lift खुलने का शुरू करने में अगर कोई अंदर रहेगा तो ऊपर से जाएगा। हाँ, ऊपर से तो साइड से जलते हैं। कौन से साइड? स्ट्रेट निकल के तो गाइस हम लोग सब अभी निकल गए हैं और जा रहे हैं आइसक्रीम दुकान। अरे यार, पहले उनका बहुत दिन से फादर्स डे का सेलिब्रेशन का फादर्स डे का ट्रीट डील था, तो पहले आश्रित, पहले संदीप बीमार पड़ गया, फिर निमी, फिर आश्रित, तो एक के वजह से बीमार और ये सब चल ही रहा था। तो इस बीच आइसक्रीम खाना नहीं हुआ, ना ही कहीं बाहर खाना हुआ, ना ही घूमना फिरना हुआ। तो नाउ दैट एवरीवन इज़ लिटिल लिटिल बेटर, तो सोचा आज इस वीकेंड में इनको थोड़ा सा आइसक्रीम खिला के लेके आते हैं। चॉकलेट बार है शना। मुंडी आश्रित ने तोड़ दिया था। Where is the temple? उतना भी बड़ा नहीं। कुर्ग में it was more. याद है कुर्ग में वो कौन सा फॉल था गो? अच्छा एबी फॉल। एबी फॉल के वहाँ पे। गाइस हम लोग घर घूम के आ चुके हैं, बच्चों ने थोड़ा आइसक्रीम खाया, मैंने भी एक आइसक्रीम लिया था
और फिर थोड़ा सा वॉक किया वहीं पे घास में और फिर बैक टू घर। अभी बज रहे हैं करीब 6:30-7 होने जा रहा है। अभी डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर आज थोड़ा अच्छा बनेगा। डिनर में आज बनेगा चिकन के साथ रोटी। और आज लंच में भी बहुत अच्छा खाया था। बहुत दिन बाद संदीप को कल जब मछली खरीदने के लिए गया था उसको पॉम्फ्लेट फिश मिला था, तो आज पॉम्फ्लेट फिश बना था लंच में। और जैसे कि आपको बता रही थी मॉर्निंग वाज सो फुल ऑफ हसल यार, बाल काटना। हाँ माय गॉड, निम्मी और आश्रित का बाल काटा मैंने। तो हुआ क्या, पहले ओरिजिनल प्लान था उनको बाहर लेके जाना है का सलून में एंड टू गेट द हेड ट्रिम, क्योंकि मैंने सोचा आश्रित को जब मैंने लास्ट बार थोड़ा ट्रिम करने के लिए बैठाया था ही वॉज वेरी रेस्टलेस और उसको ऐसा लगता है ना मम्मा ही है, ही कैन गेट अवे विथ एवरीथिंग, तो बहुत नौटंकी दिखाता है। तो मैंने सोचा चलो सलून में लेके जाते हैं, सो ही विल बिहेव हिमसेल्फ लिटल बिट एंड यू नो दे नो द बेटर टेक्निक। सो सोचा बाहर चले आते हैं कटवा के आ जाएंगे। बट जब मैंने अपॉइंटमेंट के कॉल किया और पूछा हाउ इज़ द रेट, मैंने दो सलून को कॉल किया था। फर्स्ट सलून ने बोला 350 प्लस टैक्सेस, और एक सलून को फ़ोन किया उसने बोला 450 प्लस टैक्सेस। ओ माई गॉड, बच्चे का है यार, सिर्फ हेयर ट्रिम कराना है, कोई स्टाइल नहीं कुछ नहीं, 450 प्लस टैक्सेस। छोड़ो यार, घर में ही काट देती हूँ दोनों का बाल। तुमको पता है ना मैं हेयर कट कैसे होता है, हेयर कट के लिए सामने पहनाते हैं, पीछे नहीं, सुपरमैन की तरह नहीं। कितना चार्ज कर रहे हो? 200 रुपए बस। थोड़ा सा हाफ इंच बस थोड़ा ट्रिम किया उसका बाल। आईज क्लोज रखो, कीप क्लोजिंग। और आश्रित, ओह माय गॉड, आश्रित का बाल काटने में मेरा दिमाग खराब हो गया। लाउडली बोलो सुपरमैन गेट इन हेयर कट। A few moments later. No. पकड़ो। सीजर जस्ट लगाने से वैसे हिलने लगता है, तो आई वाज सो स्केयर्ड यार टू कट। फिर संदीप ने बोला चलो ट्रिमर लेके आता हूँ, ट्रिमर से ट्राई करते हैं। अब जैसे ट्रिमर चलाता है संदीप, वो ऐसे गें साउंड करते हैं और आश्रित फिर से बहुत कॉन्शियस हो जाता है। फिर लास्ट तक क्या किया, संदीप ने ट्रिमर को आश्रित के हाथ में पकड़ा दिया और उसको एक डॉल पकड़ा दिया, ये तुम, ये बच्चा तुम करो, वाह डॉल का अपना हेयर ट्रिम करो। और जैसे आश्रित खेल रहा था उतने में मैंने उसका धीरे धीरे बाल काट दिया। इसी तरह बाल काटना हो पाया एंड बाल काटने का आफ्टर मेस, क्योंकि आश्रित सिर्फ इधर उधर भाग रहा था बोल के पूरा घर बस फुल हेयरी। ओ माय गॉड, मुझे साफ करने में भी 1 घंटा लग गया। तो मॉर्निंग वॉज प्योर। एनी बट द एंड रिजल्ट इज प्रिटी गुड। आश्रित और निमी के बाल दोनों ही अच्छे से कट गए। और अभी चलो ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ और डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। Do you like your haircut? No? I like it. Do you like your haircut? Ram Gajipati. लोगों को गलत फहमी ना हो जाए, बना मैं रहा हूँ इधर। मैं भी बना रही हूँ, बस अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ। I'm
रही हूँ मैं। क्या कलर आया है देखो तो ना।